अरे बाबा कहते हैं ये भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, गीता में भी अक्षर है कामेशु क्रोधेशु, हाँ काम क्रोध के वश होते, तो ये जो बाबा कहते हैं ये गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो सत्युग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य। आसुरी गुणों वाले दैवी गुणों वालों की महिमा गाते हैं, कितना फर्क है, उनकी महिमा गाते हैं हाँ, क्योंकि जिन्हों में दैवी गुण है और कौन गाते हैं जिन्हों में आसुरी अवगुण है, तो कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन रहे हैं, यहाँ तुमको सब गुण धारण करनी है, सब गुण 36 गुण भी धारण करनी है, वो तो है ही है, बहुत गुण है। और साथ साथ बाबा कहते खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है, देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं, देवताओं को क्या खिलाते हैं, तो जो देवताओं को भोग लगा सकते हैं वही हमें खाना है। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है, बहुत एकदम शाकाहारी तो है ही सब श्रीनाथ द्वारे में, लेकिन जो बनाने वाले ना वहां जो कुक जो वो इतना मुख पर पट्टी बांधते और बिल्कुल साइलेंस में बनाते हैं, बिल्कुल आवाज नहीं, बातचीत भी बिल्कुल नहीं करते, इतना साइलेंस में, तो श्रीनाथ की याद में बनाते हैं, तो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है, वहां है ही वैष्णव। भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है, उस समय ये स्थिति थी, अनाज नहीं था इसीलिए ना अमेरिका से मंगाया था, तो पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उनके प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है, प्लान जो भी बनाते हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, अभी कैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, इतना अनाज बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे बताते ना, तो बाबा कहते हैं मिट्टी में कैसे मिल जाएंगे, नेचुरल कैलोमिटीज होगी, अब जब बारिश होनी चाहिए होती नहीं, और जब चलो थोड़ी बहुत पानी थोड़ा बहुत पानी मिला फसल उगाई और बहुत बारिश पड़ी तो भी सब फसल खत्म हो जाती है, तो बहुत बारिश हुई तो भी फसल खत्म और पड़ी नहीं बारिश तो भी फसल खत्म, तो इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल कैलोमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ तो बिल्कुल नहीं पड़ती है, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है, जब पड़नी चाहिए पड़ेगी नहीं, या जब नहीं पड़नी चाहिए तब पड़ती है, तो अब उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। अभी शुरू हो गई है गर्मी एशियन कंट्रीज में, वो बता रहे थे कल, बीरा बेन का फोन था, इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी मार्च महीना ही शुरू हुआ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ तक उनको कहा कि इतनी गर्मी पड़ेगी जो आप सहन नहीं कर सकोगे इतनी गर्मी। तो बाबा कहते हैं तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो, सूरज आग उगलेगा, ये भी शास्त्रों में है, ये कलयुग अंत की निशानी, धर्म ग्लानी की निशानियां, ऐसे सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो, ये नेचुरल कैलमिटीज ड्रामा में नूंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप से प्रीत बुद्धि, अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, प्रीत बुद्धि बनेंगे तो माँ बाप का प्यार रहेगा, तो अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, जितना जितना सर्विस करेंगे उतना उतना प्यार के पात्र बनेंगे, खिदमत तो करनी है ना, सेवा तो करनी है ना, भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम,
हम भेज देंगे शांति धाम, जाओ तुम वहां शांति से बैठे रहो, यार दुनिया में बहुत हंगामा किया तुमने। तो बाबा कहते हैं भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है।